तो आज एक सुप्रभात सभी को, और आज एक फ्रेश मॉर्निंग व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि जानते हैं, आज 1 अक्टूबर है 2020, और ये साल ख़त्म होते होते किसी का भी अच्छा नहीं जा रहा, किसी का भी अच्छा नहीं गया। और आगे आशा बस यही कर सकते हैं कि लोगों को ठीक ठाक जाए। परीक्षाएं सर पर हैं, चल रही हैं, बच्चे नए कक्षाओं में भी कॉलेज में जाने के लिए लाइन में खड़े बैठे हैं, और करंट बच्चे जो हैं परीक्षाओं को लेके माथापच्ची कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं बाहर अपना रोटी का इंतज़ाम करने के लिए। हमारे स्टेट में आज से फिर निकलना शुरू करेंगे। तो आज हमारी मैडम का स्पेशल वाला बर्थडे है, तो उसी उपलक्ष्य में वो खुद ही स्पेशल खाना पूरियाँ वगैरह बना रही हैं। आगे और भी सब, चूँकि राशन वगैरह प्राय ख़त्म हो गया, सब नया आएगा, तो नई नई चीज़ें आज पकवान बनेंगी, कुछ बाहर से भी आ सकती हैं। तो चलिए, दिन के दूसरे भाग में आपसे फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक बने रहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सॉरी। और आज मुझे ऐसा लग रहा था सुबह से शनिवार शनिवार है, बट आज तो अपना गुरुवार है और अच्छा दिन है। और अच्छा इसलिए भी क्योंकि आज मेरी वाइफ का जन्मदिन है, प्लस लॉकडाउन खुला है पूरे 11 दिन बाद। तो अभी सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया, ग्रॉसरी आइटम्स काम चलाओ खरीदना हो गया, और अभी मैं पद्मनाथपुर होते हुए दुर्ग यूनिवर्सिटी के गर्ल्स कॉलेज में जा रहा हूँ। वहाँ कुछ अपना फाइनल एग्जाम का असाइनमेंट पेपर सबमिट करना है वाइफ का। तो चलिए पहुँच के आपको दिखाते बिल्डिंग की रूपरेखा थोड़ा सा। बाकी इससे पहले भी मैं आया हूँ वहाँ एक बार, जब मुझे इंक्वायरी करनी थी कि भाई कब जमा करना है, क्या है उस समय, क्या अपना डेट जो है लिमिटेड टाइम करता है, हम इसके दिनों के 5 दिन के अंदर जमा करना था, बट अभी फिर लॉकडाउन के कारण से 11-12 दिन बढ़ा दिया, तो देर ना करते हुए एकदम बढ़ाने के लिए आ गया। ये देखिए गियर मेरा पूरा फंस गया था बिना क्लच के यूज़ करते हुए। चलिए वीडियो में बने रहिए, बस 2 मिनट में आपसे आगे। तो दोस्तों थैंक यू बने रहने के लिए, और अभी मैं पद्मनाथपुर रोड से रिटर्न आ रहा हूँ। कॉलेज का हालचाल और मैं आप लोगों को क्या दिखाता हूँ। स्ट्रिक्टनेस था वैसे भी गर्ल्स कॉलेज, वहाँ शूटिंग वूटिंग ना ही करो तो ठीक है। इससे पहले मैंने शूट किया था उस दिन, काफ़ी खाली खाली था, और केसेस उतने ज़्यादा होते भी उतने नहीं थे, इसीलिए टेंशन नहीं था। और अभी जो प्रोफेसर और जो वहाँ की करता बर्ता लोग हैं, काफ़ी हल्ला मचा रहे थे भाई, अंदर मत आओ ये नहीं, और वैसे भी बाहर काउंटर्स बने थे, और गर्ल्स को तो मुझे शूट करना नहीं था, गेट कीपर भी अंदर में खड़ा हुआ था वाइट व्हीकल स्टैंड के पास में, तो इस कारण से भी शूट वूट नहीं किया मैंने। वैसे भी चलो कोरोना के डर से तो रिस्क ना लेते हुए जल्दी से निकलना ही था। तो अभी देखो यहाँ भैंसों की टोली यार रास्ता घेर के पूरे बैठे हुए हैं, और माफ कीजिएगा ये भैंसों की टोली यहाँ पर आए दिन आ जाती है, मतलब कि गलत समय ऊपर से उसको मेरे को ओवरटेक कर करके, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा था ठीक से, हम बाएँ हाथ से ही जाना चाह रहा था, इस कारण उसको रास्ता घेर घेर के जा रहा था। यानी कि यहाँ से अपन थोड़ा शॉर्टकट लेते हैं अपने घर, इससे पहले एक छोटा सा रिचार्ज कराना है। बीच में मैं बेकरी थोड़ा डर के रुक गया, क्योंकि वही एक अच्छा एक शॉप है जहाँ पर से मुझे केक मिलता है, और बढ़िया सा बैग में मैंने ले लिया है अपना केक, बर्थडे केक, और शाम को अच्छी सेलिब्रेशन होनी है, उसको अपन जानदार बना देंगे। चलिए आगे चलते हैं, अभी एक कार मेरे सामने आके खड़े हो गया। अभी अपन लोग मेन रोड तक पहुँचते हैं और फिर रिचार्ज करके फिर आपसे आगे रास्ते में मिलता हूँ, या फिर हो सके तो घर पर ही मिलते हैं, बने रहिएगा। तो बैठे एरिया के मेन रोड में आ गए हैं, यहाँ से आगे रिचार्ज करा के फिर अपन मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। इससे आगे का मैं शूट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि रोड में आज काफ़ी भीड़ भाड़ है, जगह जगह लॉकडाउन खुला है दोनों, और अभी अपने को फिर घर होके फिर नहा धो के फिर मार्केट में जाना है। आप थोड़ा बहुत घूमी घूमी होगा आज, फिर शाम के बाद अपने को कुछ खास करना नहीं है, मिलना जुलना भी कुछ है नहीं। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, रिचार्ज करके घर पहुँच के मिलते हैं आपसे। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और अभी हम लोग बर्थडे का बर्थडे सेलिब्रेशन का केक वगैरह काटेंगे,
सजावट है अभी ये पहले का, बाद का जो है बलून से यहाँ पर भी अभी कुछ फुलाए जा रहे हैं, वो तो सब हवा भरने के बाद यहाँ पर लेके केक के साथ बैठेंगे। तब तक ये बर्थडे सेलिब्रेशन शामिल होने के लिए बने रही है हमारे साथ। ओके, और ये है सजावट, बस बलून ऊपर चिपका लिए वॉल में और यहाँ बाकी लगाएंगे, केक रहेगा, कटिंग होगा और सेलिब्रेशन होगा। तो चलिए, और इस ब्लॉग को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा, फिर ये कंटिन्यू एंड तक मतलब कल इसका कंक्लूजन रहेगा, तो बिल्कुल बने रहिए। आज लॉकडाउन ओपन हुआ है सिटी का हमारे और हमारे नेबर सिटीज़ का, तो इसके ऊपर भी कल आपको लंबे सीरीज बताएंगे, तो बने रहिएगा एंड तक आफ्टर द सेलिब्रेशन कल तक। ओके, एक बच्चों होएगा चिल्लाता बोलो ना। हाँ तो जल रहा था, पकड़ रहा था। अरे तो कहाँ गिरा दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। ready, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Chuchu, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Chuchu, happy birthday to you, May God bless you. उसके बाद क्या, फिफ्थ बर्थडे ऑफ माई डियर वाइफ, एंड हमने काफ़ी सारे बलून्स फुलाए आज। ये पंखे की तरफ उड़ रहे हैं, कुछ यहाँ चिप काए हुए हैं, और ये केक कट चुका है और फ्लेवर भी अच्छा था, फ्रूट फ्लेवर विथ चॉको चिप्स, ब्लैक फॉरेस्ट। और पसीने पसीने हो गए थोड़ा सा, क्योंकि आज बहुत ह्यूमिडिटी है माहौल में। तो ये बर्थडे सेलिब्रेशन हमारा अभी जस्ट ही फर्स्ट फेज का हुआ, सेकंड हम लोग केक कटिंग के साथ, सेकंड केक सेकंड फेज में फिर करेंगे। तो ये हैं बलून्स और ये मैडम जी अपने डॉटर के साथ खड़े होके, तो फ़ोटो लेने के लिए प्रतीक्षा में खड़ी थी, चली गई। मैं फिर दोबारा बुलवा के फिर एक फ़ोटो भी ले लेता हूँ। तो ये मेरा व्लॉग ऐसा था कि आज का यही पर ही, और ये बहुत सारे बलून हम लोगों ने बुलाए 10 मिनट में, लाइट भी चली गई थी अंदर घर आते साथ ही। एनीवेज चीज़ें कंप्लीट हो गई है, और चलिए फिर अब नेक्स्ट व्लॉग हमारा बढ़िया लंच तो हो गया, सॉरी डिनर के साथ शुरुआत होगा। ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिए, बने रहिए, और फिर ये ब्लॉग कल जाके एंड करेंगे अपन लोग। बर्थडे सेलिब्रेशन के क्या बेनिफिट्स, क्या ड्रॉबैक्स है, ये सब कल कंक्लूजन के साथ आपको ब्लॉग एंड होता हुआ मिलेगा। तो बने रहिए फिर से।